अभी अभी हमने क्वेश्चन स्टडी किया था कि क्या कोई चार्ज बॉडी एनदर जो अनचार्ज बॉडी उसको अटैक कर सकती है, तो ये हमने देखा था यस ऐसा पॉसिबल है इंडक्शन प्रोसेस के दौरान। सिमिलरली सेकंड में देखते हैं कैन टू बॉडीज हैविंग सेम काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम टू काइंड ऑफ चार्ज अगर सेम काइंड का चार्ज हो मान लिया तो क्या वो अट्रैक्ट कर सकती है, वो भी अट्रैक्शन पॉसिबल है। फिलहाल इतना ही बताता हूँ मैं इसके बारे में कि अगर एक बॉडी पे ज़्यादा चार्ज है यानी ये तभी पॉसिबल है व्हेन वन बॉडी पोसिज लार्ज चार्ज, व्हेन वन बॉडी पोसिज लार्ज चार्ज, जब एक बॉडी के ऊपर चार्ज अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनदर बॉडी दूसरी बॉडी की तुलना में, तो उस समय सेम चार्ज की बॉडियां भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है एज कम्पेयर टू एनदर बॉडी जो दूसरी बॉडी है उसकी तुलना के अंदर, तो ऐसा पॉसिबल है। अब कई बार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर दो बॉडीज हैं उनको पहले नज़दीक लेके आ जाता है और फिर उनको सेपरेट कर दिया जाता है, दो बॉडीज हैं पहले उनको नज़दीक लेके आ जाता है फिर उनको सेपरेट कर दिया जाता है अलग अलग कर दिया जाता है, तो फिर टोटल चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो क्यों जो टोटल चार्ज है आपका वो जाएगा सम ऑफ चार्ज गुणा में नंबर ऑफ बॉडीज, नंबर ऑफ बॉडी जो बॉडियों की नंबर है संख्या है, तो एक रिलेशन है टोटल चार्ज निकालने का सम, अगर दो बॉडियों को पहले नज़दीक लेके आ जाता है उसके बाद उनको फिर सेपरेट कर दिया जाता है तो सम ऑफ चार्ज या फिर नंबर ऑफ बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया एक बॉडी है उसके ऊपर क्यू कूलाम चार्ज है, कोई अनदर बॉडी है उसके ऊपर मान लिया जीरो कूलाम चार्ज है, कोई चार्ज है नहीं पहले इसके नज़दीक लेके आ जाता है, तो नेचुरली बात है जब भी किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तो इंडक्शन प्रोसेस चार्ज तो प्रोड्यूस्ड होगा ही होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये चार्ज बॉडी, इसका मतलब कुछ तो इफेक्ट इसके ऊपर ही पड़ेगा, फिर इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है अलग अलग कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में अगर हमने क्यू की अमाउंट निकालनी हो तो क्यू चार्ज ए बॉडी पे था बी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, टोटल चार्ज यानी क्यू प्लस के सम ऑफ चार्ज बटे में नंबर ऑफ बॉडीज कितनी होगी दो आपके पास से, तो हर बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्यू बाई टू के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली को अदर एग्जांपल आप उठा रहे हो मान लिया जिस तरह से किसी बॉडी के ऊपर 10 कूलाम चार्ज है या 20 कूलाम चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मान लिया 15 कूलाम चार्ज है, इनको नज़दीक लेके आ जाता है और सेपरेट किया जाता है, और कोई तीसरी बॉडी भी है मान लिया इसके इसके अंदर ले लेते हैं जिसके ऊपर वही 0 कूलाम चार्ज है या कुछ और दूसरे अमाउंट के अंदर चार्ज है, तो फिर इनको नज़दीक लेके आ जाता है सेपरेट कर दिया जाता है, तो क्या प्रोसीजर होती है, तो उस केस के अंदर भी रिलेशन वही लगाएंगे कि टोटल चार्ज जब निकालेंगे तो सम ऑफ चार्जेस पहले बॉडी पे 20 कूलाम चार्ज है, दूसरी बॉडी पे 15 कूलाम चार्ज है, तीसरी बॉडी पे 0 है, उसके बाद कितनी है 3, तो 35/3, तो इतना चार्ज होगा वो ईच बॉडी के ऊपर हो जाएगा जब उनको नज़दीक लेके आके सेपरेट कर दिया जाता है आपस में, तो इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा और अगर बताऊँ जैसे जो बर्ड्स होते हैं पक्षी होते हैं वो जो आपकी हाई टेंशन लाइन है वो इनके ऊपर बैठे रहते हैं, पक्षियों को आपने बिजली की लाइन के ऊपर तार पे खुद दे बैठे हुए देखा होगा जो हाई टेंशन की लाइन है उनके ऊपर, लेकिन उनको डज नॉट फैटल शोक कोई शोक नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, जबकि कोई अगर मान लिया कोई पर्सन या आदमी या जो भी पर्सन है अगर वो ग्राउंड को अगर वो उसको टच करता है वायर को तो फिर फैटल शॉक उसको करंट लगता है झटका लगता है और कई बार तो डेथ तक हो जाती है अगर हाई टेंशन लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब बर्ड्स तार के ऊपर बैठे हैं लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं तो उनका ग्राउंड से कनेक्शन नहीं है, ग्राउंड गुड कंडक्टर यानी अर्थिंग नहीं हो पा रही फिर वहाँ से, तो इसका मतलब वॉट डज नॉट फैटल शॉक यानी कह सकते हैं कि सर्किट कम्प्लीट नहीं है, जो सर्किट है आपका वो कम्प्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो फिर उसको कोई भी फैटल शॉक नहीं लगेगा, जबकि आप अगर ग्राउंड पे खड़े होके उसको टच करोगे तो फिर सर्किट कंप्लीट होने के कारण फैट करंट आपको लगे ही लगेगा। हाँ अगर कोई पर्सन भी इंसुलेटिंग पैड के ऊपर खड़ा होकर किसी वायर को पकड़ लेता अपने हाथ में तो फिर उसको भी करंट आपका नहीं लगता, लेकिन ऐसा घर पर मत बनाना।